और वो घर आए की कदर के जाने जीने खाए टूक बिराने के वो घर आए की कदर के जाने जीने खाए टूक बिराने और अरे मात पिता की कदर करी ना कदर गुरु की के जाने घर आए की कदर को जाने जिन खाए टूक बिराने अरे मात पिता की कदर करी ना कदर गुरु की के जाने घर आए की कदर को जाने सुनाई की कदर लोभ में नाड़ टूट जा कदर नहीं सुनाई की पुरानी वीर के चक्कर में आ जा के जाने कदर वो भाई की और क्या लिखा अपनी बेटी की कदर करी ना के जाने कदर जमाई की अपनी बेटी की कदर करी ना के जाने कदर जमाई की और फूहड़ औरत बेली मानस फूहड़ औरत बेली मानस के कुल की कदर पिछाने मात पिता की कदर करी ना कदर गुरु की के जाने घर कदर को जाने रावण जैसा विद्वान नहीं था उसे कोई मारने वाला नहीं था अगर विभीषण श्री रामचंद्र को उसका भेद नहीं बताते बताया कि कुलघाती की भी कोई कदर नहीं होती कि आज भी विभीषण को कुलघाती के नाम से जाना जाता है और बताया कि पंचायत में बड़े बड़े सिरमौरों को बैठाया जाता है जो कि सबकी सुने और फिर एक मत होकर के ऐसा निर्णय निकाले कि जो सबके लिए समान हो लेकिन अगर पंचायत में रह करके कोई पंचायती अपने की मेर ले ले उसकी भी कोई कदर नहीं होती दूसरी कली में क्या लिखा कैसे बेशक साथ सच्चाई का दे पर कुल घाती की कदर नहीं बेशक साथ सच्चाई का दे कुल घाती की कदर नहीं अरे बहन सासरे रे बचपन काटा बहन सासरे बचपन काटा उस भाती की कदर नहीं लेके मेर लेके मेर लेके मेर पंचायत में बोले पंचायती की कदर नहीं लेके मेर पंचायत में बोले पंचायती की कदर नहीं भाईचारे की कदर के जाने भाईचारे की कदर के जाने जे रोज खड़ा रह गया थाने कदर गुरु की के जाने वो घर आए की कदर के जाने Thank you.
पांच भाई अगर पांचों के पांचों अलग बैठेंगे तो उनमें वो बात नहीं रहेगी जो एक समूह बना करके वो पांच भाई एक जगह बैठ करके जितनी उनमें ताकत होगी उतनी ताकत अलग अलग में नहीं हो सकती। चौथी कली में क्या दर्शाया है, क्या लिखा, कैसे देखे वहाँ व्यापार की कदर नहीं, टूटे घाटे ना देखे वहाँ व्यापार की कदर नहीं। अरे पांच भाई बैठे पांच जगह, पांच भाई बैठे पांच जगह, उस परिवार की कदर नहीं। दो पैसे में शान दे दे कलाकार की कदर नहीं, दो पैसे में शान दे दे कदर नहीं। अरे वो सत्संग की कदर के जाने, वो सत्संग की कदर के जाने, जो हांडे भूखे बहाने, मात पिता की कदर करीना, कदर गुरु की के जाने, वो घर आए की कदर के जाने। खुश होकर के हमारे दादाजी परमादरणीय रतन सिंह जी कोट कासिम से, वो भी 50 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और सजनों लास्ट कली के अंदर बताया कि अगर बिगर बुलाए किसी के यहां जाओ तो वहां किसी का आदर नहीं होता, क्योंकि बहुत अच्छी बात लिखी है कि जहां आओ भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता, कि जहां आओ भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता, जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता, ज्ञान ध्यान के भजनों में शरमाना ठीक नहीं होता, और जहां सुनने वाले मूर्ख हो वहां गाना ठीक नहीं होता। अगर बात अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। लास्ट कली में क्या लिखा, कैसे पीते के सहारा ल्यावे एहसान की कदर नहीं, खाते पीते के सहारा ल्यावे एहसान की कदर नहीं। अरे खड़ी बात पे खड़ाब कर जा, कही बात पे खड़ाब कर जा, ऐसी जुबान की कदर नहीं, यारी में गद्दारी कर दे ऐसे इंसान की कदर नहीं, यारी में गद्दारी कर दे ऐसे इंसान की कदर नहीं। अरे राम रे महला मर जागा रे, राम रे महला मर जागा रे, तू ना समय पिछाने, मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने, वे घर आए की कदर के जाने, जिन खाए टूक बिराने, और मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने।